जय जवान जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। अभी फिलहाल में हम जो है आपका इंदरगढ़ और नादेमऊ के पास भगवंतपुर गांव में हैं, जहां पे आज आलू की खुदाई हो रही है, जो कि आप लोग लाइव देख पा रहे हो। अभी क्या है, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि इस क्षेत्र में आलू की जो खुदाई शुरू हुई है, क्या कंटिन्यू इसी प्रकार से आलू की खुदाई होती रहेगी या एक आध दिन बाद होगी या अभी क्या पोजीशन है, वो सारी डिटेल हम लोग अभी इन किसान भाइयों से जानते हैं। तो चलिए बात करवाते हैं आपको इन किसान भाइयों से। सबसे पहले याद आप लोग देख लीजिएगा, ये आलू की खुदाई हो चुकी है और कुछ कट्टे निकल आए हैं। आप लोग जिस जिस सवालों का, जो भी आपके सवाल होंगे, सब सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा इस वीडियो में। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले तो आपको मैं परिचय करा देता हूँ। भैया इधर आ जाओ, साथ में आ जाओ इधर। क्या नाम भैया आपका? राजीव पटेल जी हैं। ये कौन सी जगह है भैया? मतलब इंदरगढ़ जिला कन्नौज, और ये तालीग्राम के पास पड़ता है। यहाँ से लगभग छिबरामऊ की दूरी जो है लगभग 20-25 किलोमीटर होगी। 30-32 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा तो आपने जो आलू की ये खुदाई हो रही है, ये जो है आपका आलू कई दिन का हो गया था? जो आलू 58 दिन का है। 58 दिन का, मतलब 2 महीने में 2 दिन बाकी। ये देख लो कौन सा आलू है। 37-97 क्या एवरेज निकल रहा है? एवरेज भाई मान लो 20 का, 20 पैकेट बिघा, 20 पैकेट बिघाटी निकल रहा है। और ये आपका जो है, इधर हम देख रहे हैं बहुत आलू के मतलब खेत हैं, सभी आलू जो है सभी खेतों में हरी भरी बेल दिखाई दे रही है। ये जब आपके यहाँ पे आपने खुदाई कराए, आपके क्षेत्र में पहला खेत है या और भी लोग खोद चुके? नहीं, आज पहला ही दिन खोद हो रही है। आज पहले दिन यहाँ पे खुदाई चल रही है। अच्छा अच्छा तो अब क्या लग रहा है, एक आध दिन बाद और होगी या खोद अब लगातार होती रहेगी, कम ज्यादा मिला के रोजी ही होती रहेगी थोड़ी बहुत। आज किसी की, आज किसी की है और कल किसी की। अच्छा ये कौन सा आलू था आपका? 37-97। आओ सबसे पहले तो उन लोगों को थोड़ा आलू दिखा देते हैं कि जो आलू है वो किस साइज का निकल रहा है, और आलू की जो खुदाई शुरू हो गई है उससे पुराने आलू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या कैसा पोजीशन रहेगा। तो ये देख लो भैया लोग आलू की खुदाई कर रहे हैं। ये देख लो भाई साहब, समय को देखते हुए, मतलब कि ये जो आलू है अभी समय जो है आपका समथिंग जो है इसका मतलब कि 58 दिन का हो गया है, लेकिन अभी साइज जो है 37-97 वैसे भी थोड़ा छोटा होता है, और अभी ये जो है इनका गुल्ला साइज है, भैया का गुल्ला साइज बन पाया है, और इन्होंने अपना खुदाई इसलिए कर दिया है कि इनको इस खेत में गेहूँ की भी बुआई करनी थी। इधर देख लो आप लोग, इधर भी खुदाई चल रही है, बराबर साइज आप लोग देख पा रहे हो भाई, बराबर साइज है गुल्ला साइज। ये देख लो। अच्छा ये भैया, ये जिस किसी भाई को साडा बीर के बारे में जानकारी लेनी है और मल्टीप्लायर के बारे में, तो आप लोग ये जो नंबर दिया गया है इस पे संपर्क करके जानकारी ले सकते हो, और इसकी होम डिलीवरी फ्री होती है, आपके घर तक पहुंचेगा। ये पटेल साहब हैं और इनके ही मतलब ये बेटा है, और ये लोग खुदाई वगैरह कर ही रहे हैं अभी। तो कौन सी मंडी में ले जा रहे भैया, कहाँ पे लेके जाओगे? छिबरामऊ मंडी में। अच्छा और भी आपके खेत कितने? गिनती में क्या है, 70-80 बीघा। 70-80 बीघा मतलब आलू करे हैं। सब कच्ची है या पक्की भी? सब पक्की है, केवल यही कच्ची था, यही कच्ची आलू खोद था ये, मतलब यही इसी अभी को इसकी खोद बेचा जाएगा, बाद बाकी तो सब जो है आलू पक्की सीजन के लिए भैया ने छोड़ दिया है। इनकी जा